जहाँ एक तरफ लोग 1 जनवरी पर नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं सार्वजनिक वाहनों में सफ़र करने वाले लोगों के लिए साल का पहला दिन मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि इस दिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ प्रदेश भर के ऑटो बस विक्रम चालकों ने मोर्चा खोल दिया। साल के पहले ही दिन चक्का जाम के चलते आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंडियाज में दिखाना था इसको, इसकी थेरेपी चलती है ना, तो मुझे वहाँ दिखाना था। अगर बच्चे को नहीं गई तो थेरेपी छूट जाएगी, बहुत बेकार हो जाएगा ना। आज बहुत मुश्किल है, बच्चे को अस्पताल लेके जाना, कैसे लेके जाए, इतनी मुश्किल हो रही है। बच्चे की थेरेपी छूट जाएगी, बताइए आप ही बताइए, ऐसा थोड़ी होता है। कैसे जाएंगे आज, नहीं जा पा रहे बेचारे, परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अग्रवाल, सहारनपुर रहता हूँ मैं, एक कंपनी में जो है दिल्ली की कंपनी में जॉब करता हूँ, एजेसम काम कर रहा हूँ और 4 स्टेट देखता हूँ मैं। सुबह 7 बजे से सहारनपुर खड़ा हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से टैक्सी पकड़ के यहाँ पे आ गया हूँ, बट अभी आने के बाद भी 1 घंटा वेट कर रहा हूँ, ऑटो भी नहीं है, तो मैं कैसे जा पाऊँगा पॉइंट पर? फिर वहाँ से वापस भी आना है, फिर सहारनपुर भी आना है। अगर आपने कानून बनाया, कानून बनाया ठीक है, हम आपका समर्थन करते हैं, ये भी पक्का है, 100% सभी लोग समर्थन करते हैं हिंदुस्तान में, बट आपको कानून बनाने से पहले कानून की जानकारी देना बहुत ज़रूरी पब्लिक को, ताकि कोई भी हमारा भाई बहन जो बैठे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। अरे हम तो जा रहे हैं कि हमें काम पर जाना है, शाम को क्या खिलाएंगे बच्चों को? कानून को बनाने से पहले हमें पब्लिक को जानकारी देना बहुत जरूरी है। हम लोगों को मांग है कि इस कानून को रद्द करें मोदी जी, और कानून जो है इस कानून को बदले, हमारी उनसे यही मांग है। और नहीं तो अगर सरकार हम लोगों को इस कानून से नहीं हटाती है तो हम लोग को मजबूर हो जाना पड़ेगा आत्महत्या करने के लिए, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। सरकार देखो, आप गाड़ी का हम इंश्योरेंस कराते हैं, प्रदूषण कराते हैं, टैक्स भरते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलते हैं, लोगों राशन कपड़ा धन हर चीज़ पहुंचाना हमारा काम है, कर्तव्य है, एक ड्राइवर है। और जो है इसको अमित शाह जी को समझना पड़ेगा, गृह मंत्री जी को, कि इस कानून को वापस उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि इस कानून से हमारे ड्राइवरों की एक तरीके से हत्या है। 10 साल की फांसी का बंदा फांसी का, इससे अच्छा तो हम खुद ही मर जाए, आत्महत्या कर ले। गवर्नमेंट को छोड़ना चाहिए कि भाई आप ऐसा कर रहे क्यों, आप ऐसा करने से पहले देखो ड्राइवर की हालत क्या है, ड्राइवर नाता नहीं है बेचारा, रोटी भी पता नहीं मिले ना मिले टाइम से, हमें रोटी कहाँ टाइम से मिलती है, हम सोचते हैं आप खाना खाएं, लेकिन सोचते हैं भाई 10 रुपये और बन जाए आगे खाना खाए। ड्राइवर की हालत बहुत ख़राब है इसमें, ये तो मुझे कानून की सोच नहीं है ड्राइवर को, ड्राइवर इंसान है, हम लोग अपनी जान पर खेल के आपको बैठा गाड़ी में जा रहे हैं, आप ही देखे गाड़ी में देख रहे कि हमने और को बचाना है, अपना बचना है, आप ड्राइवर से कुछ होता है तो आम जनता तो छेदना शुरू कर देती है। क्या गलती जो गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, गाड़ी कोई कमानी टूट जाए या कोई गाड़ी एक तरफ भाग ली, 10 लाख हमारे पास होते हैं, फिर यहाँ खड़े रोड पर खड़े होते, आप ही बताइए 7-10 साल सजा, हमारे बच्चे जो होगा ना वो हमारी शक्ल भूल जाए 10 साल में कि हमारा बाप यो है या नहीं भी है। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।